हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडिया मैम। टुडे वी आर टेकिंग क्लास वन एनसीईआरटी चैप्टर वन आई सॉ अ लिटिल बर्ड। दोस्तों, हम लोग पहले इस चैप्टर को रीड करेंगे, इसके न्यू वर्ड्स सबको हिंदी में भी बताएंगे और पूरा ट्रांसलेट करके चैप्टर को भी बताएं। चलिए देखते हैं, इसमें चैप्टर में दिया है कि चैप्टर में दिया है फर्स्ट पैराग्राफ में वंस आई सॉ, सॉ मतलब देखना, फिर उसमें देखिए कम के बाद हॉप लिखा, हॉप मतलब फुदकना, और फिर थर्ड लाइन में लिखा है क्राइड, क्राइड मतलब होता है जोर से निवेदन करना, फिर उसके बाद लिखा है स्टॉप मतलब रोकना, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया है इसमें विंडो मतलब खिड़की, फिर उसमें दिया शूक मतलब हिलाया, और टेल मतलब पूछ, ठीक है। और फिर उसमें न्यू वर्ड्स को भी देख लेते हैं कि दिया है बर्ड मतलब चिड़िया, हॉप मतलब फुदकना, स्टॉप मतलब रोकना, टेल मतलब पूछ, विंडो मतलब खिड़की। अब देखते हैं हम चैप्टर को रीड करके। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, मतलब एक बार मैंने एक छोटी चिड़िया को फुदक फुदक कर आते देखा, फिर बोला है आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया क्या तुम रुकोगी रुकोगी, ऐसा बोलता है। फिर बोला है आई सॉ गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, फिर मैं खिड़की के पास उसका हालचाल पूछने जा रहा था, बट ही शुक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू, किंतु तभी उसने अपनी छोटी पूंछ को हिलाया और उड़ गई। इसमें ये बोला है, और इस चैप्टर को हम शॉर्ट में अगर बोलें तो इसमें ये बोला है इस कविता में, एक बच्चा अपनी खिड़की पर एक छोटी चिड़िया को बैठा देखता है, वह उससे बात करने के लिए उसके करीब जाता है किंतु चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। इस चैप्टर में यही कहा है, और इस पिक्चर में भी बना, देखिए विंडो के पास जो चिड़िया है वो चली जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और मैं बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाऊंगी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके। ओके, थैंक यू, बाय।